غازی 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। अर्तुरुल साहब को जब आपके आने की खबर मिली तो उन्होंने कहा कि अमीर हजरत के लिए कोई मुश्किल खड़ी ना हो, इसलिए उन्होंने ये सराय रियासत के लिए वक्फ कर दिया है। ये रही सराय की चाबी। कातिल को ढूंढ निकाला है तुमने? बिल्कुल ढूंढ निकाला है, लेकिन तुम ये बात किसी को बताना नहीं। आज रात वो पकड़ा जाएगा। आज शाम मेरी बेटी और सादतीन कोपेक के निकाह की तकरीब भी है। उस तकरीब में आपकी शिरकत खुशी का बाइस होगी। बताओ उराल साहब। अर्तुरुल, सराय की चाबी आपके हवाले करने के बाद से कहीं लापता हो गया है अमीर हजरत। हक की बालादस्ती के लिए और इस मामले में इंसाफ की फराहमी के लिए मुझे आप पर भरोसा है आलियार साहब। अदल और इंसाफ के कयाम के लिए ना सिर्फ अपने भाई बल्कि पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं मैं। भाई तैयार है। हम इस बात में तो कोई शक नहीं कि निकाह अल्लाह ताला के पसंदीदा उमूर में से एक है। हमारे ईमान की तकमील, हमारे कबाइल का तसलसल और हमारी रियासत का मुस्तकबिल इसी पे मुनहसर है। मजीद ये कि अगर आपकी जौजा आपकी जिंदगी को जन्नत बना दे। दुरुस्त दुरुस्त फरमाया आपने, लेकिन जिंदगी सिर्फ औरत ही जन्नत बनाए मेरे ख्याल है यह गलत सोच है। मर्द का भी उसमें उतना ही किरदार होना चाहिए। दोनों मिलकर ही एक दूसरे की जिंदगी जन्नत बनाते हैं। अगर आपकी ये सोच रही तो फिर जिंदगी जन्नत बनेगी और उसके बाद उनकी औलाद उस कुनबे में शामिल होती है। बहुत शुक्रिया जानदार साहब, बिल्कुल ठीक कहा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप अपने पोते और औराल साहब के बेटे को देखेंगे। इसके बाद आपकी बारी है अमीर हजरत। हम भी जल्द अपने भांजे भांजियों से मुलाकात करना चाहेंगे। इंशाअल्लाह औराल साहब, इंशाअल्लाह। दुआ कीजिएगा निकाह की तकरीब खैरियत से निपट जाए, फिर हमें बहुत से काम निपटाने हैं। अरे माशाल्लाह मेरी शहजादी आ गई। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने मुझे ये दिन देखना नसीब फरमाया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आलियार कहाँ है औराल? मालूम नहीं बाबा, कौन जाने क्या कर रहा होगा। वो आ जाएगा, परेशान ना हो।
उठो। जिंदगी की बख्शिश चाहते हो मुझसे तो जो जानते हो वो सब कुछ सच सच बता दो मुझे। बताओ उराल, सब कुछ उसकी हिर्स की वजह से हुआ। वो शुरू से ही आपका दुश्मन है। आपके यहां आते ही आपका नाम मशहूर हो गया। उराल के रास्ते में आ गए आप। अपनी दुश्मनी का आगाज उसने आपके कालीनों को जलाकर किया। लेकिन जब आप कालीन गांव में शराकत दार भी बन गए तो क्या उसने फ्रांसिस्को के जरिए आपकी खवातीन को मारना चाहा और हलीमा सुल्तान को अगवा करके आपके लिए जाल बिछाया। वो जानता था कि असलहान खातून भी काफले में शामिल होंगी। उसने फ्रांसिस्को से मुआहदे के लिए अमांडा को इस्तेमाल किया। जब आप हलीमा खातून को बचाने के लिए गए तो वो आपको भी मार देना चाहता था। उसने सोने के सिक्कों की शर्त इसलिए रखी ताकि आप तावान का मामला समझें। ये झूठ बोल रहा है भाई। तो फिर क्यों उराल ने मेरे साथ उस हमले में शामिल होकर फ्रांसिस्को को मौत के घाट क्यों उतारा? क्योंकि फ्रांसिस्को ने मजीद तलाई सिक्कों का मुतालबा कर दिया था उससे। उसने उराल को धमकी दी थी कि वो उसका नाम जाहिर कर देगा। उसके बाद अमांडा को कसूरवार ठहरा कर आपके पास भिजवा दिया था उराल ने। उसके बाद जो हुआ आप जानते हैं। तुमने मेरे ओताक में मुझे जहर दिया। वो सिमोन का मंसूबा था लेकिन उराल को भी मालूम था। दोनों बराबर के शरीक थे उसमें और वो ये भी जानता था कि वो जहर आलूद मकतूब तुर्कुत आपके पास जरूर लेकर आएगा। मालून मकरू इंसान, मेरे भाई को मेरे हाथों जहर दिलवाया। सिमोन ने तुम पर भरोसा किया था। तुम्हारी गद्दारी का जानकर उसने तुमसे इंतकाम लेना चाहा था। ये सब कुछ अमीर सादतीन के सामने भी तुम ऐसे ही बोलोगे, समझ गए तुम? समझ गया, बिल्कुल समझ गया। अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए तौबा अस्तग़फिरुल्लाह 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 अल अज़ीम अल करीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व तूबू इलैह आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى وبعث بعد الموت حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. जानदार साहब की दुख्तर असलेहान खातून, अब्दुल्ला के फर्जन, अमीर सादतीन के साथ 1000 तलाई दिरहम और 200 भेड़ें महरे मौज्जल के इवज इन तमाम गवाहान के सामने निकाह में कबूल करती हैं आप? Thank you.
मुझे धोखा दिया, बेवकूफ बनाया मुझे, मुझे अपने गुनाहों में शामिल किया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी और आल जरूर चुकानी होगी। अर्दुल साहब, सिपाहियों, अर्तुरुल साहब को अंदर जाने दो। अर्तुरुल, तुम क्या कर रहे हो यहां? तुम्हारे यहां आने का आखिर मकसद क्या है? मैं काई कबीले के सरदार की हैसियत से आपकी तकरीब में शामिल होना चाहता था। यहां अब आप क्या लेने के लिए आए हैं अर्तुरुल साहब? जमींदार को कत्ल करने के बाद अगर आप पनाहगाह ढूंढ रहे हैं तो गलत जगह का इंतखाब किया है आपने। निकाह के मौके पर तोहफा लाया हूं आपके लिए। आल यार, क्या तमाशा लगा रखा है ये? कुतलुजा, इन्हें तुमने अंदर आने की इजाजत कैसे दे दी? इसकी बात सुन ले, ये क्या कहना चाहता है सरदार? कबीले की सलामती के लिए इसकी बात सुनना जरूरी है। उराल साहब, ये वही ताजिर है ना? दुरुस्त कहा अमीर हजरत, वही ताजिर लाश्करी से। ये वो शख्स है जिसने हुकुम अदूली की, सुल्तान के अमन कायम करने के हुक्म की और जमींदार को कत्ल किया बाजार में। जमींदार को जिस तीर से कत्ल किया गया बिल्कुल वैसे ही तीर हमें इसके खेमे से मिले हैं अमीर ज़ादतीन। आलियार, क्या कह रहे हो ये? अब कौन सा नया फितना खड़ा करना चाहते हो तुम? ये वो तीर है जो हमने जमींदार के सीने से निकाला था और इसी तरह के तीर हमें इस आदमी के खेमे से मिले। उरार, तुम्हारा इस आदमी के साथ क्या मामला है? ये तुमसे मिलने क्यों आया था? तुम तो कह रहे थे कि ये ताजिर है। अगर आप इसे बताने दें सरदार कि इस मामले के पीछे कौन है तो ये उसका नाम भी बताएगा। तुम्हें किसने हुक्म दिया था जमींदार के कत्ल का? इसका हुक्म मुझे उराल साहब ने दिया था। गलत है, गलत है। कुतलुजा, अर्तुरुल और इसके सिपाहियों को मौत की नींद सुला दो फौरन। सरदार, आपने हमेशा हमें हक का साथ देने का दर्ज दिया है। सबको सुनने दें कि यह क्या कहने वाला है। तुम भी बखावत पर उतर आए कुतलुजा। कुतलुजा और मैं इंसाफ और हक का साथ दे रहे हैं बाबा। जिसने आपके भाई सरदार तख्तमिश और जमींदार को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, हम सिर्फ उसको उसके किए की सजा दिलाना चाहते हैं। तुम्हें अपना भाई कहते हुए शर्म आती है मुझे? तुम ये क्या कह रहे हो आलियार?
हमारे सिपाही जुनूब में सो तो मैंने के मुख्तलिफ रस्तों पे पेशकदमी करेंगे। जब तक सलजूक लश्कर उनकी मदद को पहुंचेगा, तुर्कों का लश्कर अचानक होने वाले हमलों से बदहवास हो जाएगा। दूसरे लश्कर को रसद की फराहमी कैसे यकीनी बनाएंगे? ये बहुत मुश्किल होगा क्योंकि शुमाल से वहशी जंगजुओं का खतरा भी है। तुर्कों के लश्कर और हानली बाजार से अशिया खुर्दनोश की फराहमी से हमारी जरूरियात पूरी हो जाएंगी। और जहां तक शुमाल से आने वाले जंगजुओं का मामला है, तो मैं तुर्कों के खून से उनके तवाजो करूंगा। लास्करिस का क्या होगा जनाब? लास्करिस वो अजीम जांबाज है जो बगैर हिचकिचाए इस मकसद के हुसूल के लिए अपनी जान कुर्बान कर देगा, और मैं कभी भी लास्करिस की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर पाऊंगा। लास्करिस ने अपना फर्ज वफादारी से अदा किया है। मुझे यकीन है कि जावदार कबीले में अब तक कोहराम मच चुका होगा। अर्तुरुल को यह समझने दो कि उसने जमींदार का कातिल तलाश कर लिया है। सादतीन कोपैक को अंदाजा हो गया होगा कि इसका अंजाम जंग की सूरत में निकलेगा। तीर कमान से निकल चुका पेट्रोस, और वो तुर्कों को एक एक करके अपने निशाने पर लेता रहेगा। मैं यहां इंसाफ लेने आया हूं। जिसने हलीमा के अगवा का हुक्म दिया, गुंदुज को जान से मारने की कोशिश की, मुझे जहर देने वालों के साथ गठजोड़ किया, दुश्मनों के साथ मिलकर जिसने साजिशें की, उसे बेनकाब करना है। मेरी नीयत सिर्फ इंतकाम की होती तो यहां ना आता कभी। बस बहुत हो गया अर्तुरुल, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि उराल इतना जालिम हो सकता है कि अपनी बहन को मारने का मंसूबा बनाएगा? लास्करिस बताओ सब। ये सब दुरुस्त है? गलत है, ये झूठ बोल रहा है ये अमीर हजरत। मैंने आज से पहले कभी इस आदमी को देखा भी नहीं। सच है ये सब कुछ। मैं सराय के मालिक सिमोन और पेट्रोस के लिए काम करता हूँ, इसीलिए उराल को जानता हूँ। अर्तुरुल साहब को खत्म करने के लिए इसने जो कुछ किया, मैं हर चीज का शाहिद हूँ। जब अर्तुरुल साहब ने बाजार पर हमला किया तो मैंने उराल के पास ही पना ली थी। ये मुझे जमींदार को मारने के बदले में इतना सोना देने वाला था कि मेरी सारी जिंदगी के लिए काफी होता। हम कल सुबह इस मुकदमे की समाअत का मुतालबा करते हैं अमीर सादतीन। सुल्तान को मैंने हर चीज मकतूब में लिखकर भेज दी है। उन्हें बता दिया है कि मैं मुकदमे की समाअत चाहता हूं। असल हकीकत क्या है यह जानना हक है मेरा। अम्न के लिए जान देने से भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं सब बता दिया है। ये सब इल्जामात हैं और कुछ भी नहीं अमीर हजरत। मुझे और मेरे कबीले को बदनाम करने की साजिश है, आप अच्छी तरह जानते हैं। अर्तुरुल भाई के सिपाहियों को शहीद करके उनके कालीन चला दी है, इस बात का मैं, मेरे बाबा और कुतलूचा गवाह हैं। अमीर सादतीन, जानदार साहब, दुरुस्त है क्या ये? हलीमा सुल्तान और मेरी बहन असलिहान को फ्रांसिस्को के हाथों इसी शख्स ने अगवा करवाया। तुमने अपनी बहन की भी परवाह नहीं की। अपनी जिंदगी में ऐसा शख्स नहीं देखा मैंने। गद्दार, क्या ये दुरुस्त है भाई? जवाब दे। असलहान, मैंने वहां तुम्हारी जिंदगी बचाई थी, क्या भूल गई तुम? ये फितना तुम्हारा फैलाया हुआ है, तुम कामयाब हो गए जमींदार को मारकर। तुम्हारी नीयत
सराय और बाजार पर कब्जे की थी। कोई महक महसूस कर रहे हो पेट्रोस? मुझे तो बहुत ज्यादा महक आ रही है। ये उन तुर्कों के खून की महक है। वो एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। सुबह होने से पहले कबीला तमाम हो जाएगा। अमीर सादतीन बहुत शातिर है, उन्हें रोकने के लिए कोई हरकत जरूर करेगा। बिल्कुल करेगा, मगर उसकी हरकत मेरे लिए फायदेमंद होगी। हेलेना का क्या करना है जनाब? मस्जिद किले के अंदर नहीं रख सकते उसे। उसका काई कबीले पर भरोसा हमें कभी भी धोखा दे सकता है। हेलेना, कोई औरत अपने शोहर को कैसे धोखा दे सकती है पेट्रोस? तो यानी ठीक समझे तुम, हेलेना बावकार औरत है, शाही खानदान से ताल्लुक रखती है और अपने बाबा की ताकत भी इस्तेमाल करना चाहती है। मेरी उससे शादी हो जाने पर सब ताकत आपकी होगी, लेकिन फिर भी आप जमींदार नहीं बन सकेंगे पेट्रोस। आफरीन, ये मशरूब पीने के साथ साथ और दीवारों के दरमियान बदरूहों की तरह चहलकदमी करने के अलावा तुम सोच भी अच्छा लेते हो। एक राज की बात बताऊं तुम्हें, लेकिन वो हमारे दरमियान ही रहे। जमींदार बनने में सादतीन कोपैक मेरी मदद करेगा। जा सकते हो तुम। मशरूब कम पिया करो। अब आपने अपना फर्ज पूरा करना है अमीर सादतीन, वरना इंसाफ के लिए सुल्तान यहां खुद तशरीफ लाएंगे। आलियार साहब, उराल को आप कैद खाने में ले जाएं। मैं कल हानली बाजार में मुकदमे की समाअत करूंगा और मुलजिम को बाहिफाजत मुकदमे के लिए लेकर आना आपकी जिम्मेदारी होगी। जैसा आप कहें अमीर सादतीन। नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं अमीर हजरत? सिर्फ इल्जामात की बुनियाद पर कबीले को बदनाम करने की इजाजत आप कैसे दे सकते हैं इन्हें? जानदार साहब, जल्द या बदेर इंसाफ हो ही जाएगा, लेकिन हमें उसके लिए इंतजार करना होगा। जब उराल ने सरदार तोख्तमिश को जहर दिया तो इनकी जौजा चौलपान ने खादिमा आईबुके का इस्तेमाल किया। कुतलुजा को जब उस पर शुबा हुआ तो इन्होंने उसे भी मौत की नींद सुला दिया। चौलपान खातून को इनके खेमे में नजरबंद कर दे, लेकिन एहतियात से, ये उम्मीद से है। बेशक इस बच्चे के वालदेन ने कई जुर्म किए, लेकिन ये हमारा खून है। कुतलुजा, बमसी, बतुहान को लेकर आओ। जो आपका हुक्म भाई। ले जाओ इन्हें। नहीं, छोड़ दो मेरी बीवी को। चौलपान, आलियार, आलियार, ये तुम बचा नहीं कर रहे हो आलियार, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अर्तुरुल, ये मत समझना कि सब खत्म हो गया।
मैं कल अदालत में और फिर मैदान जंग में भी तुम्हें शिकर देकर दिखाऊंगा। बाबा ये एक भयानक ख्वाब है जिससे हम जल्द ही बेदार हो जाएंगे। तुम्हारे सरदार को बहुत जल्द इस इल्जाम की कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर दूंगा मैं। खामोश हो जाओ मलूल इंसान। नामुराद से तुम्हारा निकाह नहीं हो सका। मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा स्लेहान। फरार हो गया। वो दुनिया के किसी कोने में भी छुप जाए, अर्तुरुल भाई उसका पीछा हरगिज नहीं छोड़ेंगे। फौरन जाकर ढूंढो उसे। याद रखना, हरगिज भागने ना पाए वो। जाओ भाइयों, जल्दी जाओ। शाबाश, चलो हम भी चलते हैं। सिपाहियों देखो, ये तुम्हारे सरदार के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। चावदार के सिपाहियों, तुम्हारी गैरत कहां मर गई है? क्या तुमने हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं? डूब मर जाना चाहिए तुम्हें। और राल, ताकत के इस्तेमाल पर मजबूर मत करो। दुर्गुत, तुम सबको देख लूंगा। तुम्हारा सरदार और तुम सब बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचोगे। भाइयों, भाइयों जरा रुक जाओ, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि हम ये अमीर सादातीन के हुक्म पर कर रहे हैं। दुर्गुत सिपाही, जाने दो हमारे सरदार को। दुर्गुत, उस दिन सिमोन को मारकर तुमने खुद को बचा लिया था उराल, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं करूंगा। तुम्हारे फितने एक एक करके जिरगे के सामने जाहिर होंगे। जिस दिन इंसाफ की तलवार से तुम्हारा सर कलम होगा, उस दिन मैं जश्न मनाऊंगा। तूहान फरार हो गया भाई। सिपाहियों को कहो कि उसे ढूंढ कर लाएं कुतलूचा, और उसे लिए बगैर वापस ना आए। जैसा आपका हुक्म भाई। उराल से गलती हो गई थी। कालीन ले जाने वाले काफले पर हमला करवा के अर्तुरुल साहब के सिपाहियों को मार डाला था, लेकिन जब मुझे इसकी खबर मिली तो मैंने उन तमाम आदमियों को मौत के घाट उतार दिया जिन्हें उराल ने उस हमले के लिए
इस्तेमाल किया था। अर्थुरुल साहब के सिपाहियों का इंतकाम ले लिया था मैंने, लेकिन बाकी सब इल्जामात के सिवा कुछ नहीं। बहतान है मेरे बेटे पर। मैं जानता हूं उराल कभी इतना जालिम नहीं हो सकता। उसे फंसाया गया है। भाई जमींदार से मुआयदा करके आए थे बाबा, वो सराय के मालिक बनकर वहां तिजारत करना चाहते थे। जब अर्तुरुल भाई ने जमींदार की बेटी की जान बचाकर अमनो सुकून बर्बाद करने वालों के मकासद पसपा कर दिए, तो फिर भाई ने अपनी आखिरी चाल चली, जमींदार को मरवा दिया। भाई इतने लापरवाह थे कि सुल्तान के हुक्म को पसे पुश डालकर दोनों कबाइल के दरमियान जंग का बाइस बन जाते बाबा। न सिर्फ असलहान बल्कि वो अपने मकसद के लिए आपको भी इस्तेमाल करते। होश में आइए बाबा, हकीकत को पहचानिए। गलत है, बहतान है ये। तुम भी अर्तुरुल की साजिश में उसके साथ शामिल हो गए हो। डूब मरना चाहिए तुम्हें। लानत है उस दिन पर जब तुम पैदा हुए थे। जमींदार से ज्यादा मुझे अपने सिपाहियों की जिंदगी अजीज थी जानदार साहब। कातिलों से भले इंतकाम ले लिया आपने, लेकिन याद रखें उराल ने जो गुनाह किए हैं वो आपके एतराफ से धुल नहीं जाएंगे। इंसाफ तब होगा जब उराल को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। मेरे जंगजू शहीद किए हैं उसने, मैं इतना ही कहूंगा। कल अदालत के सामने सच साबित हो जाएगा। अगर आप इजाजत दें तो तुरगुत और दुआन यहीं पर मौजूद रहेंगे। आलियार साहब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं भाई। बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए। अर्तुरुल साहब, मुझे आपसे तन्हाई में बात करनी है। तुम आलियार, कबीले की बदनामी का बाइस हो। शरीयत और अपने अकदार से मैंने कभी रूकरदानी नहीं की और ना ही कभी ऐसा सोच सकता हूं मैं। एक बात याद रखिएगा आप, अगर कभी आपकी बदनामी का बाइस बना मैं, तो समझिएगा बाबा आपका बेटा आलियार मर चुका है। तुमने मुझे हैरान कर दिया अर्तुरुल, मुझे बहुत फख्र हो रहा है तुम पर। कानून हाथ में लेने के बजाय इंसाफ का इख्तियार तुमने मुझे सौंप दिया। तुमने एक बार फिर मेरी इज्जत में इजाफा किया है। मैं बताना चाहता हूं कि कल उराल से मुनसिफाना अंदाज में जिरह की जाएगी और अगर उसे सजाए मौत सुनाई गई तो मैं खुद उसका सर कलम करूंगा।
इंसाफ का रास्ता मैंने कभी नहीं छोड़ा अमीर सादतिन, बल्कि जो उससे रूगर्दानी करे मेरी तलवार ने उसे उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाया है, और यह अमल जारी रखूंगा मैं। उराल वो सजा जरूर पाएगा जिसका वो मुस्तहिक है। जब तक उसे सजा नहीं मिल जाती मेरी तलवार नियाम में नहीं जाएगी। क्या मेरे इंसाफ पे यकीन नहीं तुम्हें अर्तुरुल? सिर्फ अल्लाह के इंसाफ पर यकीन है मुझे, और फिर अपनी तलवार पर। ये लो सराय की चाबी। अदालती कार्रवाई की तैयारी कर लेना, मैं अपने सिपाही वहां मामूर कर दूंगा। तुम भी अपने जंगजुओं को मुस्तैद रहने की हिदायत कर देना। जमींदार के साथ जो कुछ हुआ, मैं नहीं चाहता किसी और के साथ ऐसा सानहा पेश आए। आप मेरी बात समझ गए ना अर्तुरुल साहब? उराल भाई, ये आपने क्या किया? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अपनी छोटी बहन को मारने की साजिश कैसे कर सकते हैं? एक छोटे से बच्चे से आपकी आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी? मुझे यकीन नहीं हो रहा इस बात पर, यह सच नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। झूठ है ये, झूठ है। असलेहान खातून, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? असलेहान खातून, आ जाइए अमीर सादतीन। बैठ जाओ असलेहान, बैठ जाओ। मेरी मुबारक बहार, मुझे अपने दिलकश चेहरे से दूर मत करो। गम को करीब मत आने दो, तुम्हारे ये आंसू बहुत कीमती हैं। तुम दरीचा हो मेरी खुशी का, जिसकी कुंजी गुमशुदा है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा जमाल जन्नत गुमा है। असलेहान, अगर कोई काम मुबारक हो तो उसके अंजाम की तवक्को हमें अच्छी रखनी चाहिए, मुस्तरिब ना हो। पहले इस अलमनाक वाकये से निमट लूं मैं, फिर हम अपनी निकाह की तकरीब करेंगे इंशाल्लाह। मेरा कबीला गम से दो चार है, मेरा भाई मौत की सजा पाने वाला है। मैं कैसे सोच सकती हूं इस बारे में? क्यों परेशान होती हो? तुम्हारा कबीला और तुम्हारा भाई दोनों महफूज रहेंगे। यकीन रखो, ये सादतीन का वादा है तुमसे। लेकिन तुमसे दरखास्त है कि अपने हुस्न को मानना पड़ने दो, वरना यह आशिक तुम्हारी मुस्कान को तरस जाएगा।
बिल्कुल ऐसे ही। मैं जानता हूं कि तुम कोई कमजोर खातून नहीं हो, बहुत मजबूत आसाब की मालिक हो तुम। मैं जानता हूं कि जमींदार को तुमने नहीं मरवाया, लेकिन तुम माजी में की गई हिमाकतों की वजह से ही पहुंचे हो इस हाल तक। कल जब फैसला आएगा तो कौन मुजरिम है और कौन बेगुनाह सब पर वाज़ेह हो जाएगा। मैं गुनाहगार नहीं हूं बाबा, मैं उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की है। जिस जंग को शुरू करने का तुम्हारा इरादा है, उसमें सबसे पहले कलम होने वाला सर तुम्हारा होगा।